और पौधे दिल्ली में पाए गए। मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन, मेरी माटी मेरा देश का मुख्य उद्देश्य है। अगर माटी के पुतले देश में ईमान जिंदा है, तभी इस देश का हर सम्मान जिंदा है। भाषण से न उम्मीदें हैं, न वादों पे है इरादा, रातों पे है इरादा, हिंदुस्तानियों के ही अरमान से ये हिंदुस्तान जिंदा है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को, जो किसी परिचय की महताज नहीं, जिन्होंने अपने साहस और पराक्रम से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रानी लक्ष्मीबाई की। ये कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में भागीरथी बाई और मारूपत ताबे के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम पड़ा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका को बचपन में प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। ये है उनकी बचपन की तस्वीर। मणिकर्णिका के पिता एक मराठी थे और मराठा दरबार के सेवा करते थे। मात्र 4 साल की छोटी सी उम्र में मणिकर्णिका ने अपनी माँ का झूठ खो दिया। घर में उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, लिहाजा उनके पिता उनको बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे। वहां पर मणिकर्णिका ने शिक्षा के साथ शास्त्रों की भी शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। समय आगे बढ़ता गया। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नावेलकर से हो गया। तब उनका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पड़ा। 1851 में मणिकर्णिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश वह पुत्र केवल 4 महीने तक जीवित रहा। उनके पति को ये पुत्र वियोग हो गया। 1853 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। लोगों ने सलाह दी कि उन्हें एक दत्तक पुत्र ले लेना चाहिए। दत्तक पुत्र लिया गया, नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन दत्तक पुत्र लेने के कुछ समय पश्चात ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। रानी पे मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। और उधर ब्रितानी राज ने राज का सारा धन जो था वो जब्त कर लिया। रानी को किला छोड़ कर रानी महल में रहना पड़ा। लेकिन रानी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस झांसी को बचा के रहूंगी। रानी ने दम खम लगाकर इस रणभूमि में कूद पड़ी। अंग्रेजी सेनापति हीरोज ने जब उनके किला बंदी देखी तो वह दंग रह गए। रानी ने एक रणचंडी का साक्षात रूप दिखाया और दामोदर राव को अपने पीठ पर बांधकर भयंकर युद्ध लड़ती रही। अंग्रेजों ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। 17 जून 1857 में एक विद्रोह फिर हुआ और रानी इसमें विजय घोषित हुई। लेकिन 18 जून 1857 को जो अंग्रेजी जो सेनापति था, जो हीरोज था, वो खुद रणभूमि में कूद पड़ा। दुर्भाग्यवश सोनरेखा जो नाला था उनका रानी का घोड़ा पार नहीं कर पाया और पीछे से एक अंग्रेजी सैनिक ने उनके पीठ पर उनके सर पर एक इतना तलवार से जोरदार प्रहार किया कि उनके दाहिने भाग का सर कट गया, आंखें बाहर निकल गईं। फिर भी घायल रानी उठा और उस सैनिक का जिसने उनका घायल किया था उसका काम तमाम कर दिया। ये थी हमारी झांसी की रानी। इन कहानियों को सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसे ही नहीं हम इस देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, भले तन धूल जिस रिथोग मन मैला नहीं होगा, वतन के वीर पूतों का कफन मैला नहीं होता, यह तो बागबान ही पर कतरते हैं, सहज माली के रहने से चमन मैला। बहुत अच्छा।